सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे उमेश टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप दो फोटो जोड़ करके एक फोटो बनाना चाहते हो कुछ इस तरीके की, जैसे कि आप देखते हो कि ये फोटो रहेगा, एक ये फोटो रहेगा आपका, और इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोटो बनकर तैयार हो जाएगी, तो इस तरीके का हम फोटो कैसे बनाएंगे यही आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो भी मैं एप्लीकेशन है, जो भी वेबसाइट का आप यहाँ पर मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा, उनको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पर लिंक है, क्या नाम है, सब कुछ आपको वीडियो के बीच में बताऊँगा। तो आप पहले वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, यहाँ पर आप सीख लीजिए कि कैसे करना है, उसके बाद आपको बताऊँगा कि यहाँ पर इन सभी का लिंक मैंने कहां दे रखा है। उसके बाद इस एप्लीकेशन का मैं यूज करता हूं फोटो डाउनलोड करने के लिए। आप यहां पर गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे सिर्फ आपकी थोड़ा क्वालिटी अच्छी आती है बस फोटो की। उसके बाद यहां पर फॉरेस्ट ब्लर बैकग्राउंड यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं, और वैसे इस ऐप का भी लिंक आपको दे दूंगा कि अगर आप इस ऐप से डाउनलोड करना चाहो तो यहां से भी आप कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप सर्च करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको इस तरीके की फोटोज़ देखने के लिए मिल जाती है, तो इसमें से आपको जो भी पसंद आती है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जो भी आपको डाउनलोड करना है, जो भी आपको अपने फोटो के बैकग्राउंड में रखना है वो आप फोटो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ से कोई मैं फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैं फोटो ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हो आपका फोटो डाउनलोड हो जाता है, और उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक वेबसाइट का मैं यूज़ करने वाला हूँ जिसका लिंक मैं अभी आपको बता दूंगा कहाँ पर मैंने दे रखा है। उसके बाद आपको यहां पर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और यहां पर आपको अपना फोटो यहां पर अपलोड कर देना है। यहां पर जैसे एक ये वाला फोटो मैं अपलोड कर देता हूं, और यहां पर इस फोटो को अपलोड करने के बाद यहां पर अब मैं क्या करता हूं, दूसरा एक फोटो वो भी मैं अपलोड कर देता हूं, क्योंकि यहां पर दो फोटो से हम एक फोटो बनाएंगे। तो यहां पर एक ये वाला भी फोटो हम अपलोड करते हैं जिस फोटो में बैकग्राउंड है, इसको मैंने यहां पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद अभी इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर कुछ ही सेकंड के अंदर गायब हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, ये फोटो हमारा डाउनलोड हो गया। फिर अभी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको भी हम यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोनों फोटो को हमने डाउनलोड कर लिया बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद। अब हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन का और यूज करेंगे जिसका नाम है पिक्सेल लैब। अब चलिए इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, इसका भी लिंक अभी मैं बता दूंगा कहाँ पर मैंने दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन बिंदी दिखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है, यूज़ फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको वो फोटो सिलेक्ट करना है जो आपका बैकग्राउंड जो आप रखना चाहते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं बैकग्राउंड अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इस बैकग्राउंड को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट ये लिख के आ रहा है यहाँ पर आपको डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद अब आपको यहाँ पर बीच में ये ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके आपका अपना फोटो ऐड कर लेना है, यहाँ पर इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करके। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो ये वाला जो इसको आपको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर आप जो दूसरा फोटो लगाना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आप दूसरा फोटो यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लो, और फिर टिक के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पर आपका फोटो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद अगर आपको इसको छोटा बड़ा करना अपने हिसाब से तो वो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लो, और अगर आपको फोटो और बड़ा करना तो इस तरीके से और भी बड़ा कर सकते हो, छोटा करना है तो वो आप अपने हिसाब से इस तरीके से छोटा कर सकते हो। अगर आपको बड़ा करना है तो इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हो, जितना मर्जी आप उतना बड़ा कर लो इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहां पर एडजस्ट कर लेना फोटो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप अपना फोटो यहां पर सेट कर लेना इस तरीके से। जैसे आप फोटो को सेट कर लेते हो उसके बाद फिर आपको यहां पर तीन बिंदी मिलती है, इसके ऊपर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और सेव टू गैलरी के ऊपर आपको क्लिक करना है। लेकिन उसके पहले यहां पर इसका जो क्वालिटी है वो आप अल्ट्रा कर लेना ताकि और अच्छा दिखे आपका फोटो। उसके बाद आपको सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक करना है, और आपका फोटो गैलरी में जाकर के सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके की फोटो बना सकते हो, जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमने ये वाला फोटो अभी अभी क्रिएट किया है। तो अभी हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो भी वेबसाइट या फिर जो भी मैंने एप्लीकेशन का यूज किया इनका लिंक मैंने कहाँ पर दिया हुआ है, उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना, और यहां पर आपको लिख देना rgtechnicalboy.com। यहां पे कुछ इस तरीके से लिखना है rgtechnicalboy.com। जैसे आप इतना लिखते हो उसके बाद फिर आपको यहां पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहां पर आपको क्लिक करना है, और यहां पर आपको लिखना है दो फोटो, और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, सिर्फ इतना ही लिख देना है दो फोटो। और जैसे आप इतना लिखोगे उसके बाद यहाँ पे नीचे एक आर्टिकल आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ये वाला आप देख सकते हो। अब इसका यहाँ पे जो आर्टिकल है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, इसके टाइटल के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो फिर आपको यहाँ पर ये आर्टिकल कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो भी एप्लीकेशन यूज़ किए हैं उन सभी का लिंक मैंने यहाँ पर दिया, वेबसाइट का यहाँ पर लिंक दिया और ऐप का यहाँ पर दिया है। तो यहाँ से आप क्लिक करके ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो।